आप कार्य कर रहे हैं। बाद में उन्होंने एक और कहानी रची कि 36 लोगों की हिट लिस्ट यहाँ मिली है और 36 के 36 लोग सनातन संस्था की हिट लिस्ट पे थे। अरे भाई, ये 18 लोग पकड़े गए वो हमारे है ही नहीं, फिर भी सनातन संस्था की हिट लिस्ट थे और उसके द्वारा जो है ये हत्याएं की गई प्रेरणा लेके। आज तक हजारों कॉपियर इसकी बटी हुई है, बिकी हुई है। कितने लोगों ने इससे प्रेरणा ली और कितनी हत्या ली इसका भी बताइए, एसआईटी ने बताना चाहिए। फिर 23 वर्ष हो गए इस ग्रंथ को प्रकाशित करके। आज भारत में जितने सारे राजनीतिक पार्टियां हैं, फिर कांग्रेस है, सेकुलरवादी शक्तियां है, कम्युनिस्ट पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, ये सारे प्रकरणों में उनको अरेस्ट करने के बाद जो है किसी राजनीतिक पार्टी पर मांग हो, बैन की मांग हो, इस प्रकार का कोई चित्र नहीं है। लेकिन सनातन संस्था के किसी कार्यक्रम में कोई आया है, कभी आया है, तो वो संस्था से जुड़ा है ऐसे कहकर सनातन संस्था की जो मांग की जा रही है, मांग की बंद की मांग जो की जा रही है, वो अन्यायकारक है। आज हमारे पीछे कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, इसीलिए इस प्रकार के षड्यंत्र सनातन संस्था के खिलाफ रचे जा रहे हैं। सनातन संस्था को कॉल द डॉग मैड एंड शूट हिम, इस प्रकार की रणनीति सनातन संस्था के खिलाफ बनाई। देखिए, ये जो ग्रंथ है ये ग्रंथ राजा के लिए लिखा है, राजा को अपने कर्तव्यों के विषय में जानकारी देने वाला। इसमें गीता, महाभारत, रामायण, इन श्लोक, इन ग्रंथों में जो राजा के विषय में श्लोक है उसके विषय में बताया गया है। लेकिन एसआईटी एक बिना पढ़े ही इस प्रकार की थ्योरी बना रही है कि इसमें दुर्जन माने धर्मद्रोही है, एंटी हिंदू है, और इसीलिए उनको दंडित करने का प्रयास किया गया है। वास्तव में सब झूठ रचा जा रहा है, ग्रंथ में इस प्रकार का कुछ नहीं है। उन्होंने जो प्रेस रिलीज निकाला उसमें कितना झूठ है वही तो लोगों के सामने लाना आवश्यक है, इसलिए ये प्रेस हमने लिया है। जब बाकी पूरा चार्जशीट आएगा डेफिनेटली वी आर हियर ओनली, वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आज जो गलत चल रहा है वो आपके सबके सामने लाना जो है वो आवश्यक है। सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करता हूँ, सनातन संस्था का कोई सदस्य नहीं होता, साधक होता है। अमित टेकवेकर इज नॉट अवर सीकर। क्या वो सनातन प्रभात का काम करता है उसके लिए? सनातन प्रभात का काम करने वाले बहुत लोग हैं, उसमें से एक वो है। लेकिन सनातन संस्था से जुड़ा नहीं है, क्या आपके वर्कशॉप अटेंड किए? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अमित देगवेकर जो था वो सनातन प्रभात का प्रमोशन करता था और वो प्रमोशन के लिए उसने अपना ये किया था, वर्किंग जो एटीट्यूड उसका था। ही इज नॉट अ स्पीकर ऑफ सनातन संस्था, ये स्पष्ट था। तो मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ लिया था तब स्पष्ट किया था। सर, आप लोग कोई रिक्रूटमेंट वगैरह ऐसे कुछ शब्द नहीं होते, सनातन संस्था साधना बताती है और जो सनातन संस्था के मार्गदर्शन के अनुसार साधना करता है उसे साधक कहा जाता है। और वो साधना भी स्वेच्छा से है और साधना का प्रचार करना ये संस्था का कार्य है, जिसमें सहभागी होना भी वॉलेंटरी है। तो देर इज नो रिक्रूटमेंट मीडिया के द्वारा प्रचारित किया जाए, क्योंकि जब तक इसकी तथ्यता और सत्यता सामने नहीं आएगी तब तक एसआईटी का झूठ सामने नहीं आएगा।